को ही टिकट देंगे, वो भी मैथिली शरण गुप्त के आदेश के तहत। तो ये इस पार्टी का जो अध्यक्ष, जिसका नाम हम हमेशा गोपनीय रखेंगे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको और कोई काम नहीं करना है, ना आम सभा करना है, ना कुछ करना है, ना कुछ करना है। तो इस राजनीतिक पार्टी का केवल एक ही काम है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1950-51 की कोटल फॉर्मेलिटी करके हमें वर्तमान व्यवस्था में इन राजनेताओं को हराने की एक औपचारिक जो है परिस्थिति पैदा करना, राइट। क्योंकि हम भाषण से जो है ना इन्हें नहीं हरा पाएंगे, हमें इन्हें इसी प्रेजेंट व्यवस्था के तहत हराना होगा। बिल्कुल ये बात आप समझ रहे हैं? जी, तो ये जो गोपनीय राजनीतिक पार्टी है, जिसे गोपनीय रखा गया है, इसका नाम कभी नहीं बताया जाएगा, राइट। ये उसका अध्यक्ष जो है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा हस्ताक्षरित कि आप चंद्रगुप्त के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफल हुए हैं, यू आर ए सक्सेसफुल कैंडिडेट एज ए चंद्रगुप्त, वो सर्टिफिकेट लेके पहुंचेगा और बड़े सम्मान के साथ सैल्यूट करते हुए आपको वो सर्टिफिकेट थमाएगा, और उसके साथ में ही सांसद या विधायक या जो भी लेवल का वो चंद्रगुप्त है उसका टिकट भी आपको दे देगा। ठीक। तो अब आपके पास बिना 5 पैसे खर्च किए आप चंद्रगुप्त भी बन गए, और बिना 5 पैसे खर्च किए ना किसी के सामने आपको हाथ फैलाना है, ना किसी को कुछ करना है, आपके हाथ में टिकट भी पहुंच गया। इस प्रक्रिया में हम 100 करोड़ से ज्यादा बड़ी आसानी से मात्र 9 दिन में संभव हो सकेंगे, यदि हमारे से जो संकल्पित शपथकृत लोग अपनी मोटी खाल और बेशर्मी को दूर करके यदि वो अपने शपथ को पूरा करेंगे, अपने संकल्प को पूरा करेंगे, तो हम मात्र 9 दिन में 100 करोड़ के ऊपर होंगे। तो जैसे जैसे लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जैसे आज आपको मेरे ख्याल से गौरव जैन जी समझ में आ ही गया है, और आज आप जुड़ ही जाएंगे ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। आप जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल विचार है मेरा ये एक बार इसको अच्छा, प्रॉपरली देखकर कि इसका शुचिता कितनी है। बस शुचिता का क्या मतलब है? शुचिता का क्या शुचिता, मतलब है? शुचिता का मतलब कि जो इन डेप्थ शुचिता है इसमें, सिस्टम की शुचिता कितनी है। नहीं, शुचिता का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है? शुचिता का मतलब पवित्रता, साफ गोई, मतलब तो इसमें जो है ना साफ गोई की तो कमी दिख रही है क्या कहीं पे? चलो एनीवे, एवरीबडी इज हैविंग द राइट टू एग्जामिन एंड टेक ए वेरी कंसिडर्ड व्यू, सो आप भी शुचिता या और जितने भी उसमें मापदंड लगाना चाहते हैं उनको लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, और यदि उसमें आपको कोई सप्लीमेंट्री जानकारी चाहिए होगी तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, ठीक है ना? ये आपका जो ये है ना, वैसे हाँ बहुत बहुत आपने साइंटिफिक बनाया है इसे, हाँ बहुत साइंटिफिक है। अच्छा, अब आगे की बात सुनो जरा, मैं आपको थोड़ा जल्दी से किसकी समझा दूं, क्योंकि ये किसकी जो हमारी बातचीत है ये रिकॉर्ड हो रही है, जी जी और ये इट इज नॉट इंटेंडेड फॉर यू, इट इज इंटेंडेड टू द जो है ना ऑल इंडियंस, सब देशवासियों के लिए है, जी जी जिससे वो प्राथमिकता के आधार पर जुड़े और इस देश बदलने के उसमें अपना योगदान दे सके, ठीक है ना? बिल्कुल 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 तो इसमें जो है अब मुद्दे की बात यह है कि क्या हम 100 करोड़ के ऊपर होंगे, और वो 100 करोड़ लोग जब थाली बजाकर दीपक जलाकर अपने चंद्रगुप्त के नाम पर संकल्प लेंगे और ईवीएम मशीन की जो बटन दबाएंगे, तो ये चंद्रगुप्त बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना किसी चुनाव प्रचार के जीत जाएंगे कि नहीं? और जो ये बड़े बड़े तीन तीन चार चार पांच पांच बार से जो विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री बने हैं, वो ना केवल पराजित होंगे बल्कि उनकी जमानतें जब्त होंगी कि नहीं होंगी? हाँ, राजनीतिक शुद्धिकरण और सरलीकरण हो गया। हाँ, और हमारे जो चंद्रगुप्त होंगे वो राजनेता नहीं कहलाएंगे, क्योंकि हम राजनेता शब्द से राजनीति से जो है ना संन्यास ले चुके हैं, हम उनको राष्ट्रनेता कहेंगे, और जो हम कार्रवाई कहेंगे वो राष्ट्रनीति कहलाएगी, राजनीति नहीं कहलाएगी, क्योंकि इन्होंने राजनेता और राजनीति दोनों शब्द को इतना दूषित और गंदा कर दिया है कि हम उन विकास ही शब्दों नहीं का करेंगे, उपयोग ही नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सही बात है। हम उन शब्दों का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो उसे घृणित बना दिया बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल अब मैं आपको 2 मिनट में समझाऊंगा कि कितनी आसानी से हम 100 करोड़ होंगे। जी, कैसे। तो चलिए अपन ये मान लेते हैं कि गौरव जैन और गौरव जैन जैसे ही 8 और लोगों को मैथिली शरण गुप्त ने आज ही अभियान चालू किया, आज के ठीक दिन, है, ठीक है ना? हाँ जी, ठीक और हमने उन्हें
से बातचीत की, उन्हें ऊर्जाकृत किया, संकल्पित किया, शपथ किया किया। तो जो हमने बातचीत की इसी को ही ऊर्जाकृत करना कहते हैं, राइट? आई हैव चार्ज यू, राइट? आई हैव चार्ज यू फॉर द चेंज, राइट? यस और नो? राइट राइट। आप अपने आप को ऊर्जाकृत महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं सर। अब इसमें एक संकल्प है कि हमें 90 लोगों को जोड़ना है, इवन सदस्य को भी यही संकल्प है, राइट? और चंद्रगुप्त को तो कंपटीशन में आना है जी। तो संकल्प है कि हम प्रतिदिन 10 लोगों को जोड़ेंगे संगोष्ठी करके, और 9 दिन में हमारा संकल्प पूरा हो जाएगा 90 लोगों को जोड़कर, राइट? ठीक है, क्लियर? तो हर व्यक्ति को कम से कम 90 लोग जोड़ना है, चाहे वो सदस्य हो चाहे वो चंद्रगुप्त हो, ठीक है ना? चंद्रगुप्त को तो कंपटीशन में आना होगा, तो वो 1 लाख लोगों को भी जोड़ने की जरूरत है, तो 1 लाख जोड़ेगा तभी जो है ना वो मेरिट लिस्ट में आएगा। तो वो दैट विल बी डिपेंडेंट कि कितना की मेरिट लिस्ट बनती है, हमें उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? क्योंकि वो तो ओपन कंपटीशन है ना, और आप रोज देख रहे हैं तो लगाइए ताकत। यदि आपको लगता है कि साहब 2 संगोष्ठियों से काम नहीं कर रहा तो 25 संगोष्ठी करिए। जी बिल्कुल। अच्छा मैं एक चीज बताना भूल गया, जो बता देता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर जो मेरिट लिस्ट नंबर 1 पे आएगा वो देश का प्रधानमंत्री होगा। ठीक ठीक तो देश का प्रधानमंत्री कौन होगा ये मैथिलीषण गुप्ता नहीं करेंगे। तो ना टिकट तय कर रहे हैं, ना जो है ना जिताने के लिए पूरा मॉडल दे दिया है, और ये हक भी आपको दे दिया है कि नंबर 1 पे आ जाओ, तो बिना सोचे कि आपकी शख्सियत क्या है, आप में भेजा है कि नहीं है, दिमाग है कि नहीं है, हमें आपके दिमाग की भी चिंता नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि सब दायित्व तो हमने अपने चाणक्यों के ऊपर लेके रखा है। वो चाणक्य जो है, और उन 21 लक्ष्यों को आपको हर जगह कहना है कि मैं इनके प्रति समर्पित हूं। तो चाणक्य 21 लक्ष्यों के समाधान, जो कि टेक्निकल कानून और जितने भी होंगे, वो सब बना के इन चंद्रगुप्तों के पास पहुंचेंगे, और केवल चंद्रगुप्तों के पास नहीं पहुंचेंगे बल्कि पब्लिक डिस्कोर्स भी करेंगे। तो उसमें जो जो समाधान में जो सुझाव आएंगे उनको इंटीग्रेट करते हुए उन्हें नियम कानून और टेक्नोलॉजी के रूप में चाणक्य सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाएगा। चाणक्य सारा काम करेंगे, चाणक्य जो है डोमेन एक्सपर्ट का काम करेंगे। तो जैसे मान लो गौरव जैन जो है वो चंद्रगुप्त भी बन सकते हैं, और डोमेन यदि गौरव जैन का जो है ना भेजा और डोमेन एक्सपर्टाइज है तो वो चंद्रगुप्त भी हो सकते हैं। तो 2 अलग अलग कंपटीशन है उसमें जो है, यदि आप चंद्रगुप्ती सोच रखते हैं, चंद्रगुप्ती डोमेन नॉलेज रखते हैं, तो आप चंद्रगुप्त जो है चाणक्य की डोमेन नॉलेज रखते हैं तो आप चाणक्य समितियों के सदस्य बन जाएंगे, और साथ में आप संगोष्ठियां करते रहेंगे तो चंद्रगुप्त भी बन जाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो नंबर 1 पे आए तो देश का प्रधानमंत्री भी होगा और चाणक्यों का हेड भी हो सकता है वो। आप बात समझ रहे हैं ना? तो ये 2 अलग अलग रोल हैं, डोमेन नॉलेज मीन्स चाणक्य, और चंद्रगुप्त मीन्स जिसने बहुत सारी संगोष्ठियां करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते हुए अपने आप को मेरिट लिस्ट में रखा। उसमें आपने 21 एक्सपर्टाइज फील्ड है इसमें आपके। हाँ 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 21 ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए फील्ड तो ढेर सारे होंगे उसमें। उसमें वैसे फील्ड भी 21 ही है। हाँ मतलब कैटेगराइजेशन कर दिया, उसके सब तो बहुत सारे निकलेंगे आगे। हाँ हाँ नहीं नहीं वो उसमें 21 टेक्नोलॉजीज हैं, वो 21 है, तो आप 21 ठीक कह रहे हैं। लक्ष्य अलग चीज है, डोमेन नॉलेज अलग चीज है, राइट? लेकिन डोमेन नॉलेज के भी 21 के लिए हुई ना, ये डोमेन नॉलेज भी 21 ही है। हाँ ये तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ना, सारा सिस्टम को इम्प्लीमेंट कैसे करना है, सबको सुचारू कैसे चला के रखना है, वो जो है करके उसे व्यवस्था नीति और कानून बनाने में काम करेंगे। तो कानून तो बनाएंगे चंद्रगुप्त ही, उस पर डिस्कोर्स करने के लिए चंद्रगुप्त को इकट्ठा किया जाएगा, और ओपन पब्लिक से भी डिस्कोर्स किया जाएगा, और उनके जो सुझाव आएंगे जो कि मान्य योग्य होंगे उनको जोड़ते हुए उसमें उतना और उसको परिष्कृत कर लिया जाएगा, उसको उतना और सुधार लिया जाएगा, और फिर जो है चंद्रगुप्त का काम केवल इतना ही है, हाँ की जीत हुई और ना की हार हुई, और वो देश के कानून बन जाएंगे। राइट ठीक है, ठीक है ना? तो आप कानून कैसे बनेंगे, व्यवस्था परिवर्तन में क्या आएगा, वो चीज पॉइंट मेरे ख्याल से मैंने क्लियर कर दिया है। तो अपन वापस लौटते हैं कि 100 करोड़ कैसे होंगे, ठीक है ना? अच्छा यहाँ एक चीज है, यहाँ एक प्रश्न है छोटा सा। लेकिन अपन 100 करोड़ के बाद वो प्रश्न पूछे तो ठीक नहीं रहेगा? कोई बात नहीं, कर लेंगे। हाँ उसको लेकिन आप याद रखिएगा जिसे आप भूल लेना। ठीक है। तो आज जो है हमने गौरव जैन को मिला के 9 लोगों को ऊर्जाकृत कर, संकल्पित कर, शपथकृत किया, तो हम आज शाम तक 10 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और वो लोग संकल्पित हैं, ऊर्जाकृत हैं, शपथकृत हैं, और 10 लोगों को जोड़ना है तो दूसरे दिन 100 हो जाएंगे?
बिल्कुल तीसरे दिन 1,000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और नौवें दिन 100 करोड़ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? जी जी बिल्कुल और 40 करोड़ को हमने शुरू में छोड़ा है कि छोड़ दिया है कि उनपे एनर्जी खर्च नहीं करना है, वो कबीर बाबा के जो उन्होंने जो ऑलरेडी एक वो दिया हुआ है मॉडल कि लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जब चंद्रगुप्ता की लालिमा चारों तरफ फैलेगी तो बचे हुए 40 करोड़ लोग अपने आप लाइन लगा के जुड़ जाएंगे, ठीक जी। है ना? तो अब अपन वापस लौटते हैं तो 100 करोड़ पे अपन पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? अब आप कहेंगे कि अरे साहब ये तो बड़ा कठिन काम है यार, मैथमेटिक्स का फार्मूला थोड़ी चलता है ऐसे लोगों को जोड़ने में। ये प्रश्न किसी के भी दिमाग में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल क्योंकि लाइफ इज नॉट सिंपल, लाइफ इज नॉट मैथमेटिक्स। जी तो ये इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन करना ये तो बच्चों जैसा काम लगता है। ये जी एक जो है ना इंजीनियर इंजीनियर जो मैथिली क्षण गुप्त ऑलरेडी है वो इस काम को कर सकते हैं, लेकिन ये कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है। तो मैं इस तथ्य को जरा अलग ढंग से पेश करता हूं और आपसे जो है ना आपको लगेगा ये बच्चों का ही खेल है, राइट? जी तो इस मॉडल को जरा हम उल्टे ढंग से चर्चा करते हैं। तो नौवें दिन 9 करोड़ लोग 10 10 करोड़ 10 10 लोगों को जोड़ रहे हैं, तो नौवें दिन 90 करोड़ लोग जुड़ेंगे, इस प्रकार 100 करोड़ होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? तो जी इन 90 करोड़ के पास 9 दिन में तो आपका संकल्प पूरा हो जाए, तो उनके पास 10 दिन तो है नहीं, 10वां दिन तो है नहीं, तो 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। तो 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है, इसके बावजूद भी 100 करोड़ का संकल्प पूरा हो रहा है, तो खुद को जोड़ लेना क्या कठिन है? नहीं नहीं। चलिए ठीक है, अब जो है थोड़ी सी सुविधा के लिए हल्का सा मैनिपुलेशन कर लेते हैं, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि बहुत सरल है, ठीक है ना? तो 8वें दिन 9 करोड़ लोग जुड़े हैं और 9वें दिन 90 करोड़ लोग जुड़े हैं, राइट? तो इन दो दो दिन में 99 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं। तो यदि एक व्यक्ति को कोई जोड़ लेता है, यदि पति अपने पत्नी को या पत्नी अपने पति को या किसी बच्चे को जोड़ते हैं, तो 100 करोड़ में से 99 करोड़ का संकल्प पूरा हो जाता है। तो आप मुझे बताइए क्या एक व्यक्ति को जोड़ना कठिन है? नहीं कोई कठिन नहीं है। अब बचे 1 करोड़ लोग, तो 1 करोड़ लोगों की बात भी कर लेते हैं और पूरे 100 करोड़ की भी बात एक बार फिर से कर लेते हैं। जी तो मैं मैथिली एक सर, सेकंड का विराम लूंगा। चलिए गई कॉल। हाँ हाँ चलिए चलिए बोलिए बोलिए आप हाँ बोलिए। तो ये मैथिली शरण गुप्त अकेले के पास 9 दिन थे, तो केवल एक व्यक्ति को ही 90 लोगों को जुड़ना है, केवल एक व्यक्ति को। और हम संकल्प क्या ले रहे हैं कि हर व्यक्ति 90 लोगों को जोड़ेगा, राइट? जबकि मॉडल के हिसाब से कितने लोगों को 90 लोगों को जोड़ना है? केवल मैथिली शरण गुप्त को, क्योंकि उन्हीं के पास 9 दिन है, राइट? अब गौरव जैन सहित जो 9 लोग थे उनके पास बचेंगे 8 दिन, बचेंगे कि नहीं बचेंगे? जी तो केवल 9 लोगों को ही 80 80 लोगों को जोड़ना है, केवल कितनों को? केवल 9 लोगों को। कठिन है क्या? नहीं। नहीं है। 90 लोगों को जो कि दूसरे दिन जुड़ेंगे, उनके पास 7 दिन बचेंगे, तो उन्हें 70 70 लोगों को जोड़ना है। तो कितने लोगों को 70 को जोड़ना है? केवल 90 लोगों को, राइट? तीसरे दिन 900 लोग जुड़ेंगे और उनके पास बचेंगे 6 दिन, राइट? तो केवल 900 लोगों को ही 60 60 लोगों को जोड़ना है, राइट? चौथे दिन 9,000 लोग जब जुड़ेंगे और बचेंगे 5 दिन, तो केवल 9,000 लोगों को ही 50 50 को जोड़ना है, कितनों को? केवल 9,000 को, राइट? और पांचवें दिन जुड़ेंगे 90,000 लोग, राइट? और दिन बचेंगे 4, तो केवल 90 हजार लोगों को ही 40 40 लोगों को जोड़ना है, कितनों को? केवल 90 हजार को, राइट? अब जो है छठवें दिन 9 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 3, तो केवल 9 लाख लोगों को ही 30 30 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को, राइट? राइट। सातवें दिन जो है 90 लाख लोग जुड़ेंगे और दिन बचेंगे 2, तो केवल जो है 90 लाख लोगों को 20 20 लोगों को जोड़ना है। और आठवें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं उनके पास बचेगा 1 दिन, तो केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 को जोड़ना है,
और नौवे दिन जो 90 करोड़ जोड़ रहे हैं उनके पास कोई दिन नहीं बचा है, तो उन्हें किसी को नहीं जोड़ना है। तो बताइए, जब आपने 90 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प लिया है तो बहुत ही आसानी से आप 9 दिन में 100 करोड़ को क्रॉस कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? हाँ या नहीं? बिल्कुल इसमें आपके दिमाग में कोई संशय है क्या? नहीं नहीं है। तो यदि 100 करोड़ लोग आपके संकल्पित हैं और उन्होंने ऑलरेडी संकल्प लिया है कि वो चंद्रगुप्त जो भी मेरिट लिस्ट में आएगा उसको वो ईवीएम मशीन में बटन दबाएंगे और हर रोज ऊपर जाके थाली बजाकर दीपक जला के भी संकल्प लेंगे कि मैं इसी को विजयी बनाऊंगा, तो इन चंद्रगुप्तों को विजयी होना बिना 5 पैसे खर्च किए तय है कि नहीं है? उन्हें कोई प्रचार की जरूरत है क्या? नहीं, कोई जरूरत उन्हें नहीं। अपनी होर्डिंग लगाने की जरूरत है क्या? नहीं, उन्हें आम सभाएं करने की जरूरत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ करना जरूरी नहीं है। नहीं है। तो बिना कुछ किए, बिना 5 पैसे खर्च किए, केवल इस बिना पे कि उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से संगोष्ठियां करके ये संदेश जन जन तक पहुंचाया है, आप मुझे बताइए कि ये चंद्रगुप्त मात्र इतने से श्रम से वो देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री सब बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे? क्योंकि मेरिट लिस्ट में जो 40-45 लोग ऊपर के होंगे उनका मंत्री बनना तय है, राइट? और जिस तरह स्तर की मेरिट लिस्ट है तो उसी स्तर के हिसाब से जो है सांसद या विधायक बनना उनका तय है। मैथिली शरण